इंटरनेशनल एवन कॉर्ड समिति द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा इंटरनेशनल एवन कॉर्ड दिवस मनाया जाएगा, इस बात की जानकारी दी गई। यह दिवस आजकल बढ़ते जुर्म के खिलाफ मनाया जाएगा। जहां भी जुर्म होता है वहां यह समिति आवाज़ उठाती है। केवल मुस्लिम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए यह समिति काम करती है। हाल ही में पेस्टलाइन में हुए हादसे के विरोध जताते हुए यह समिति 2 अगस्त शुक्रवार के दिन मुंबई में मोर्चा करने वाली है। इस बात की जानकारी सैयद हसैन राजवी करारवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी। आपको मालूम है कि यूरोप ने पूरी दुनिया के बदमाशों को इकट्ठा करके फिलिस्तीन में लाके बसाया और एशिया में वो सारी मुसीबत का सबब बने जिसे इसराइल कहा जाता है। और इसराइल ने फिलिस्तीन में रहने वाले बासियों को उनके घर से निकाल के ख़ुद कब्ज़ा कर रखा है। जाहिर सी बात है कि किसी के घर पर कब्ज़ा करना, उसके घर के ऊपर खुद कब्ज़ा करके रहना और उनको बेघर करना, ये जुल्म है और हम हर तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ हैं। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर किसी के ऊपर जुल्म किया जाए या अपने मुल्क से बाहर किसी के ऊपर जुल्म किया जाए, चूँकि दुनिया में उनकी हिमायत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इस दिन को जो हमारे मजहबी रहनुमा मजहबी लीडर हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा इमाम खुमैनी ने इस दिन को यानी जुमे माह रमज़ान के आखिरी जुमे को उन्होंने योम कुस करार दिया, यानी मजलूमों की हिमायत का दिन। तो हम इस दिन को मजलूमों की हिमायत के दिन के उन्वान से मनाते हैं और अपनी आवाज़ आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम मजलूमों के हामी हैं और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ हैं और जब तक उनको उनकी ज़मीन नहीं मिल जाती है हमारा ये एहतजाज जारी है। इसराइल का खात्मा हो जाए और इसराइल पैलेस्टाइन को आज़ाद कर दे, पैलेस्टाइन की फ्रीडम की सूरत में ही पॉसिबल है।